Hello students and welcome back again in this video. So well, humne jo hai, economics abhi te, koi lesson. Kiya hai. So from today onwards, we are starting the economics, and the first chapter is the story of village Palampur. In this lesson, the um, the main concept behind this lesson is to give a uh, research study about a particular place. And this research is related to the economic activities. सच एज़ प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा तो इसमें जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के बारे में बताया गया है क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बताया गया है लेकिन एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक एग्ज़ाम्पल लिया गया है एक रिसर्च स्टडी का जिसमें पालमपुर विलेज के बारे में बात की गई है तो देख लेते हैं एक बार चैप्टर में क्या क्या है ओवरव्यू ऑफ पालमपुर विलेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन फार्मिंग इन पालमपुर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर तो ये चेकलिस्ट है मतलब इस तरह से जो है लेसन लेसन जो है स्टार्ट होता है और इसमें जो भी कंटेंट है वो इस तरह से तो स्टार्ट करते हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इज़ अ नैरेटिव स्टोरी बेस्ड ऑन रिसर्च स्टडी एक नैरेटिव स्टोरी है एक कहानी के रूप में एक स्टोरी बताई गई है जो कि क्या है एक रिसर्च स्टडी है यानी कि रिसर्च स्टडी है कोई एग्रीकल्चरल फील्ड या इकोनॉमिक्स की फील्ड में की गई रिसर्च उसके बारे में जो है एक स्टडी के थ्रू एक स्टोरी के थ्रू बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है प्रोडक्शन कैसे होता है फार्मिंग क्या है पैटर्न क्या होता है फार्मिंग के पैटर्न क्या क्या ज़रूरत होती है इनपुट आउटपुट फार्मिंग में ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें बढ़ेंगे एग्रीकल्चर हम चैप्टर जो है वो पढ़ चुके हैं जोग्राफ़ी में एट क्लास में लेकिन यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा एक उसको ज़्यादा डिटेल वे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च स्टडी बाय गिलबर्ट एटियना ऑफ अ विलेज इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न यूपी उत्तर प्रदेश में द पर्पज़ ऑफ़ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराना है या उनकी नॉलेज देना है ये इसका मेन पर्पज़ है इस लेसन का अब देख लेते हैं स्टार्ट करते हैं लेसन ओवरव्यू ऑफ पालमपुर विलेज फार्मिंग इज एन मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन हाइपोथेटिकल विलेज नेम पालमपुर फार्मिंग मेन एक्टिविटी है फार्मिंग कहें एग्रीकल्चर कहें मेन एक्टिविटी है पालमपुर विलेज में और पालमपुर विलेज जो है एक हाइपोथेटिकल नाम है नेम क्या है हाइपोथेटिकल उसको सोच समझ के बनाया गया एक हाइपोथेटिकल होता है जब हम अपने विचारों से सोच के कुछ भी एक नाम को ये रख दें हाइपोथेटिकल कि ऐसा हो सकता है अब देखिए जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उत्पादन की एक्टिविटी है उसके लिए फार्म पालमपुर में जो है फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी है अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ लाइक डेयरी फार्मिंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन शॉपकीपिंग प्रैक्टिस ऑन अ लिमिटेड स्केल तो फार्मिंग के अलावा क्या क्या कि किया जाता है डेयरी फार्मिंग होती है मैनुफैक्चरिंग होती है मैनुफैक्चरिंग आपने एट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन वही यातायात वाली चीज़ है शॉप कीपिंग छोटी दुकानें जो होती है वो सब ये लिमिटेड स्केल में होता है पालमपुर में दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स लाइक नेचुरल रिसोर्स मैन मेड रिसोर्स ह्यूमन एफर्ट मनी रिसोर्स का लेसन वी हैव डन इन प्रीवियस क्लास एट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से रिसोर्स होते हैं पोटेंशियल मेन मेड नेचुरल रिसोर्सोटिक एबायोटिक यूबिक्यूटस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें हम जो है एक क्लास में हम पढ़ चुके हैं पालमपुर इज़ हैविंग वेल डेवलप्ड रोड इट कनेक्ट्स पालमपुर टू अगर विलेज रायगंज एंड द नियरस्ट स्मॉल टाउन इज़ कॉल्ड शाहपुर तो वेल कनेक्टेड रोड्स हैं आउट ऑफ़ दी फोर फिफ्टी फैमिली लिविंग इन द पालमपुर अबाउट एट्टी परसेंट अपर कास्ट फैमिली ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड टोटल फैमिली रहती है फोर फिफ्टी फाइव और उसमें से एट्टी परसेंट फैमिली जो है अपर कास्ट की हैं जो ज़्यादातर लैंड को uh, ऑक्यूपाई किए हुए हैं उस विलेज में एंड हैव अ लार्ज एंड वेल कंस्ट्रक्टेड परमानेंट हाउस जिनके काफ़ी बड़े और वेल well कंस्ट्रक्टेड अच्छे से बने हुए घर हैं द एस दलित इन द विलेज कंप्राइज अबाउट वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन एंड आर लैंडलेस लेबर्स अब जितने भी जो एस हैं लोअर कास्ट के जो लोग हैं जिनको दलित नाम दिया गया था हमने हिस्ट्री सेक्शन जब हम एट क्लास में पढ़ रहे थे मार्जिनलाइजेशन वाला उसमें इनकी बात हुई थी देर आर देर आर फोर मार्जिनलाइज ग्रुप्स आप सभी को पता है पढ़ चुके हैं तो वन थर्ड पॉपुलेशन है और क्या है वो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनके पास जमीन नहीं है मजदूर हैं दिल्ली में ना वन कॉर्नर ऑफ द विलेज इन अ स्मॉलर हाउस सम ऑफ विच आर पोअरली कंस्ट्रक्टेड विद द मड एंड स्ट्रॉ कुछ जो है एक ये विलेज के कॉर्नर में रहते हैं पहली चीज़ तो छोटे घर हैं इनके कंपैरिजन में और पुअरली कंस्ट्रक्टेड है अच्छी तरह से मकान नहीं बने हुए हैं मिट्टी और स्ट्रॉ लकड़ी के मकान बने हुए हैं मैनी हाउसेज़ इन पालमपुर हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन यानी कि ज़्यादातर घर जो हैं पालमपुर में उनमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ द ट्यूब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मैनुफेक्चरिंग अदर बिजनेस यूनिट इन पालमपुर इट हैज़ प्राइमरी टू प्राइमरी स्कूल्स वन एंड वन हाई स्कूल दो प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है इट हैज़ ऑल्सो गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड प्राइवेट डिस्पेंसरी तो गवर्नमेंट का हेल्थ सेंटर भी है और प्राइवेट भी है द डिस्क्रिप्शन अबाउट शोज दैट पालमपुर हैज अ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी इरीगेशन स्कूल हेल्थ फैसिलिटीज सिमिलरली ऑल द इंडियन विलेजिज है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड सिमिलर नॉन फार्म एक्टिविटीज तो इसी तरह से बाकी की इंडिया की सिटीज़ में भी इसी तरह से है तो एक एग्ज़ाम्पल उठाया गया है कहानी के माध्यम से आपको बताने के लिए कि किस तरह से प्रोडक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग क्या है रोड ट्रांसपोर्ट क्या है आपस में ये चीज़ें कैसे इंटरलिंक्ड है क्या इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है क्या इनका फ़ायदा है सारी चीज़ें इस आ, लेसन में बताई गई हैं अब देखिए आगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और प्रोडक्शन की प्रोडक्शन जो है उत्पादन जो है किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए उसको उसका संगठन कैसे किया जाना चाहिए प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी विच गिव्स दी रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज एक ऐसी गतिविधि है क्रियाकलाप है जो हमें ज़रूरतों के समान और सेवाएं उपलब्ध कराती है मुहैया कराती है दिस रिक्वायर्स फोर एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो किसी भी प्रोडक्शन में चार एलिमेंट मेन होते हैं एलिमेंट्स तत्व और वो कौन से होते हैं जो फैक्टर्स Uh, उनको फैक्टर्स uh, भी कहा जाता है प्रोडक्शन के अब ये देखिए फैक्टर्स हैं लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल चार हो गई है अब एक एक करके देखते हैं लैंड एंड अदर रिसोर्स लाइक वाटर मिनरल फॉरेस्ट एक्सेट्रा तो ज़मीन और प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी मिनरल्स ये सब जंगल वगैरह लेबर फॉर कैरिंग आउट दी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इट मे बी मैनुअल वर्कर्स और हाईली स्किल्ड एजुकेटेड पर्सन तो या तो वो मजदूर हो सकते हैं सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जिनको कुछ कुशल काम नहीं आता है ये भी हम प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि स्किल्ड लेबर कौन सी होती है अनस्किल्ड कैसे होती है एजुकेटेड पर्सन तो ये लेबर एक होनी बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन में देन थर्ड वी हैव फिज़िकल कैपिटल इट इंक्लूड्स टू सब कंपोनेंट्स दो इसके कंपोनेंट्स हैं फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल क्या है और वर्किंग कैपिटल क्या है अब ये जो पॉइंट हैं दो ये मेनली कंसर्न रखते हैं हमारी इकोनॉमिक्स से अब देखिए फिक्स्ड कौन से हैं एसेट्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स दैट आर नीडिड टू बी स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एग्जाम्पल बिल्डिंग मशीन टूल्स रेंजिंग फ्रॉम प्लॉट टू जनरेटर्स टर्बाइंस कंप्यूटर इट इज एट्सट्रा तो फिक्स्ड कैपिटल है ये इनमें कोई फ्लो नहीं है मनी का ये अपनी जगह अपनी वैल्यू एक जैसी ही रखते हैं तो ये एक तरह से एसेट्स हैं ऐसे रिसोर्सेज हैं जो होना बहुत जरूरी है जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं या प्रोडक्शन की बात करते हैं देन वी हैव सेकेंड कंपोनेंट वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर यूज्ड एट द सेम टाइम टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज टू परचेज रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड टू सेल फिनिश्ड गुड्स तो वर्किंग कैपिटल कौन सी होगी हमारा रॉ मटेरियल हमारा मनी मनी काम करता है वर्किंग है एक बंदे के पास नहीं रहता है फ्लो होता है मनी में मनी की एक कैरेक्टरिस्टिक uh, है कि इट हैज़ फ्लुइडिटी फ्लो करता है किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम और रॉ मटेरियल वर्किंग है ओब्वियसली रॉ मटेरियल होगा तभी तो हम उसको कन्वर्ट करके विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड इनपुट आउटपुट प्रोसेस हम उसको जो है फिनिश्ड गुड्स में क्रिएट कर देते हैं नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन कैपिटल कैसे होगा इज दिन नॉलेज एंड एंटरप्राइज इट इज़ रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर ऑल ऑफ दियर बो इमपुट्स टू प्रोड्यूस द आउटपुट ह्यूमन नहीं होगा तो ये सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है ह्यूमन ही है जो लैंड का भी यूज़ करेंगे एज अ लेबर भी काम करेंगे कैपिटल को भी जनरेट करेंगे वर्किंग है चाहे फिक्स्ड है इसलिए चार चीज़ें जो हैं प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें फार्मिंग इन पालमपुर पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है इस चीज़ के बारे में बताया गया है लैंड इज़ फिक्स्ड फिक्स्ड लैंड है सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ वर्किंग पीपल इन पालमपुर आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड आइदर दे आर फार्मर ऑन फार्म लेबर्स या तो वो फार्मर्स हैं किसान हैं या फिर वो लेबर हैं खेती खेती हर मजदूर जो खेती के काम में अपनी मजदूरी देते हैं देयर वेलबींग इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म बिल्कुल एग्जैक्टली अगर वो ठीक रहेंगे हेल्दी रहेंगे तो ही प्रोडक्शन अच्छा होगा फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं अगर किसी खेत में बीमार मजदूर काम कर रहे हैं तो वो कितना कर पाएंगे है ना दे वॉन्ट बी एबल टू गिव देयर बेस्ट अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे वो जस्ट बिकॉज ऑफ डिजीज़ और सम एबनॉर्मिलिटी किसी अब नॉर्मलिटी की वजह से बीमारी की वजह से अगर वो अनहेल्दी हैं इफ़ दे आर अनहेल्दी दे वॉन्ट बी गिव देर हंड्रेड परसेंट अपना हंड्रेड परसेंट नहीं दे पाएंगे देन वट विल बी द रिजल्ट रिजल्ट विल बी द प्रोडक्शन वॉन्ट बी ग्रेटर अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा लोअर रहेगा लो क्वालिटी का रहेगा <clears throat> अब देखते हैं आगे द फार्म प्रोडक्शन कैन बी रेज्ड बाय इंक्रीजिंग द लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन फ़ार्म प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें लैंड एरिया में कल्टिवेशन का जो एरिया उसको बढ़ाना पड़ेगा बट नो एडिशनल लैंड हैज़ बीन ब्रॉट अंडर दी कल्टिवेशन इन पालमपुर लेकिन पालमपुर में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया आफ्टर नाइनटीन सिक्सटी एक्सेप्ट वेस्ट लैंड जो वेस्ट लैंड होता है ऐसी ज़मीन जिसका कोई यूज़ नहीं होता उसको ऐड किया गया है बस द सिचुएशन ऑफ पालमपुर में बी कम्पेयरड टू दैट ऑफ इंडिया कल्टिवेटेड एरिया इन इंडिया हैज़ जस्ट इंक्रीज फ्राम 120 ट्वेंटी मिलियन हैक्टेयर्स इन 1950 फिफ्टी टू वन फोर्टी मिलियन हैक्टेयर्स इन टू टू इलेवन टू सस्टेन इट्स ग्रोथ पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन की ग्रोइंग पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए नाउ देर इज़ अ ऑफ फॉर टू ब्रिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन टू इंक्रीज़ फ्राम फार्म प्रोडक्शन लेकिन ज़मीन हमारे पास उतनी ही है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें उनके रहने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी इन्हीबिटेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी लैंड की तो हम क्या कर सकते हैं जो कल्टिवेटेड एरिया है या कल्टिवेशन के लिए एरिया है उसको बढ़ाना इतना ईजी नहीं है बढ़ाना है तो फिर हमें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा उसके अलग से एकोसिस्टम पर होंगे है ना तो ये है इसमें नेक्स्ट है आप वेज टू ग्रो मोर फ्रॉम दी सेम लैंड कि किस तरह से हम एक ही ज़मीन से ज़्यादा जो है प्राप्त कर सकते हैं ले सकते हैं तो देखिए सम ऑफ़ दी वेज थ्रू विच फार्मर्स ग्रोन मोर फ्रॉम दी सेम लैंड एक ही ज़मीन से अगर किसानों को ज़्यादा उत्पादन करना है ज़्यादा फ़ायदा करना है तो कैसे ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको उनको अपनाना पड़ेगा तो पहला इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग यानी कि एक ही ज़मीन पे एक से अधिक फसल उगाना अब देखिए टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड फार्मर डू मल्टीपल क्रॉपिंग दे ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर तो एक साल में एक से ज़्यादा फसल उगाते हैं अब देखिए ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ अब जो रेनी सीजन होता है वो खरीफ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यू मस्ट नो वट इज़ खरीफ रबी एंड जायद एक और होता है जायद वो आपके इसमें नहीं है बट कोई बात नहीं इट्स ओके ये दो भी समझ लेंगे तो भी काफ़ी हद तक हमें पता चल जाएगा तो रेनी सीज़न की जो फसल होती है उसको खरीफ कहते हैं फार्मर्स ग्रो जोर एंड बाजरा विच आर यूज एज अ कैटल फीड तो किस लिए यूज़ होते हैं वो उनके मवेशियों के खाने के लिए खरीफ कल्टिवेशन इज़ फॉलोड बाई पोटैटो कल्टिवेशन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू डिसम्बर एज द थर्ड क्रॉप तो तीन फसलें उगाई जाती हैं रेनी सीजन में खरीफ में तो इनका टाइम ड्यूरेशन क्या है अक्टूबर टू डिसम्बर और कौन कौन सी फसल है ज्वार बाजरा और किस चीज़ के लिए कैटल फीड के लिए और पोटैटो इनकी जो है तीसरी फसल होती है तो ये था हमारा खरीफ के बारे में नेक्स्ट वी हैव रबी ड्यूरिंग द विंटर सीजन फार्मर्स सो वीट फ्रॉम द प्रोड्यूस्ड वीट फार्मर्स कीप एन ऑफ़ वीट फॉर देयर फैमिली कंजप्शन एंड एंड सेल रेस्ट ऑफ द वीट इन द मार्केट एट रानीगंज तो विंटर सीजन की फ़सल है रवि रबी और मेन इसमें क्रॉप कौन सी है व्हीट तो जितना होता है उसका अपनी जरूरत के लिए रख लेते हैं बाकी का सेल कर देते हैं तो ये सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग दोनों का एग्जाम्पल इसमें दिया गया कि खुद की ज़रूरत के लिए जितना किया उतना किया लेकिन बाकी का जो है सेल कर दिया मार्केट में और कहाँ किया रायगंज में तो क्योंकि हम ये एक केस स्टडी पढ़ रहे हैं रिसर्च स्टडी पढ़ रहे हैं तो इसलिए एग्जाम्पल इसमें पालमपुर का दिया गया है लेकिन स्टोरी में जो मेन मेन कंसेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के उन पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अ पार्ट ऑफ लैंड इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू द शुगर केन प्रोडक्शन विच इज़ हार्वेस्टेड वन एवरी ईयर वंस एवरी ईयर तो गन्ना भी उगाया जाता है साल में एक बार शुगर केन इज़ अ रॉ फॉर्म ऑफ और एज जैगरी यानी कि या तो रॉ फॉर्म में कच्चे माल के रूप में ही शुगर केन का यूज़ गन्ने का यूज़ जैसे कि गन्ने के जूस के लिए या बाकी चीज़ों के लिए या फिर उसको गुड़ के रूप में बना के जगरी गुड़ को कहते हैं इस सॉल्ट टू ट्रेडिस इन द ट्रेडर्स इन द शाहपुर शाहपुर में फिर उसको बेच दिया जाता है तो या तो कच्चा ही बेच दिया जाता है गन्ने को कच्चा माल के रूप में आई I मीन mean, कि शुगर केन जिस फॉर्म में है यूँ का यूँ उसको बेच दिया कोई भी पर्पज़ हो सकता है शुगर बनाने के लिए या जूस के लिए कुछ भी या फिर उसको गुड़ में कन्वर्ट करके जगरी बना के जो उसको शाहपुर में बेच देते हैं तो ये एक इसमें एग्जाम्पल बताए गए हैं कि और वेज बताए गए हैं किस तरह से एक ही ज़मीन से ज़्यादा हम प्रोडक्शन ले सकते हैं इस वीडियो में इतना ही बाकी कल्डेशन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे